जी हाँ दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार पांडे एक बार फिर से आप लोगों को लेकर आया हूँ नौलखा मंदिर का दर्शन कराने, जो कि यहाँ वैशाली खड़ौना में स्थित है। वैशाली खड़ौना में स्थित है, यहाँ पे विश्व शांति स्तूप भी है। आइए मैं आप लोगों को वहाँ पे लेकर चलता हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं मेरे अभिषेक गुप्ता जी, आइए यहाँ। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग हमारे पीछे है विश्व शांति स्तूप, जो आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। उससे पहले हमारे एक मिनट भैया, उनसे हम लोग कुछ पूछताछ करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? छपरा। अच्छा, आप लोगों को आकर यहाँ पे कैसा फील हो रहा है? सही है, शांति है, बहुत शांति है, अच्छी जगह है। अच्छा, आप इसके पीछे में कुछ जानते हैं? जानते तो नहीं, ऐसे घूमते घूमते आ गए यहाँ पे, बगल वालों से पूछते। जापान सरकार द्वारा विश्व शांति स्तूप बनाया गया है, जो पूरे दुनिया में 8 जगह पे बनाया गया है, जिसमें से एक है यह वैशाली जिला में बनाया गया है। जी हाँ। अच्छा भैया, आपका नाम? मेरा नाम मंजीत कुमार सिंह है। जी हाँ, हमें मंजीत कुमार सिंह के माध्यम से मैं कुछ जानकारी प्राप्त हुई है कि ये जापान सरकार द्वारा विश्व शांति स्तूप बनाया गया है, जो कि 8 जगह बनाया गया है, जिसमें एक जगह वैशाली में भी स्थित है। अच्छा, ये तो आप लोगों को मैं और आगे तक ले चलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ स्पेशल व्यू देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे सही में बहुत ही यहाँ पे हमें शांति मिल रही है। जैसा कि जापान सरकार द्वारा निर्मित विश्व शांति स्तूप है, यहाँ पे हम लोग को शांति भी मिल रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार भगवान बुद्ध समाधि में बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। जी हाँ, तो आइए हम लोग को, हम आप लोगों को लेकर चलते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ का कुछ स्पेशल व्यू आपको दिखा देते हैं, जो कि भारी मात्रा में लोग यहाँ आते हैं एंजॉय करने, घूमने, देखने। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम विश्व शांति स्तूप के ऊपर चढ़ चुके हैं। ये राउंड में है, ये मतलब पूरे राउंड है, लोगों ने दर्शन कर लिया। इसी के साथ मैं उज्जवल कुमार पांडे आप लोगों से इस वीडियो से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको भी मौका मिले तो आप जरूर आए यहाँ पे, और यहाँ पे आके स्पेशल व्यू का मजा ले। काफ़ी घूमने और इंजॉय करने वाला काफ़ी अच्छे अच्छे जगह हैं यहाँ पे। आने के बाद आप कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं, जो कि अभी हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो चलिए कुछ स्टॉल है यहाँ पे, स्टॉल दिखा देते हैं आपको, जो आप आएंगे तो वहाँ से कुछ ख़रीदारी भी कर सकते हैं। अच्छे अच्छे सामान हैं, तो चलिए सामान देखते हैं। आप लोग जब यहाँ आएंगे कुछ खरीदने के लिए, तो यही सब जो है आप खरीद सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो भी हम दुकानदार भाई जी से पूछ के आप लोगों को बता देंगे कि कितने में क्या मिलता है। और आपका बजट कम भी हो तो आप कौन सा सामान जो है आप अपने बजट के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। तो आप हमें इसका प्राइस बता दीजिए, इसका प्राइस कितना पड़ेगा? 180 रुपये। 180 का है, और इसमें से कुछ कम भी होगा 180 से? वो आने दे, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, 180 से कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये गेट पे लगाने वाला है ना, पर्दा पर, तो इसका प्राइस क्या रहेगा? 350 पड़ेगा। साढ़े तीन सौ से कुछ कम भी हो जाएगा ना? हाँ, ये भी कम्बल है। ये कितने का होगा? 250 का होगा। चलिए ठीक है, इधर का देखिए वीडियो में ताका। अच्छा, ये जो है ये कितने का पड़ेगा? 450 का। और ये शिव जी का जो है, वो 300 आ जाएगा, लकड़ी का हो गया, लकड़ी का है ना, उसमें से प्राइस भी कुछ कम बेस हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत बताने के लिए, ठीक है, बस आज के लिए इतना ही करिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आपको मिले।